अभी विवेक अवस्थी जी का भी फोन आया था, कहाँ पहुंचे, मैंने बताया था डैम पे ही है, अभी बस आ रहे हैं। उनको भी मैंने गुड न्यूज़ दे दी है कि भाई लेपर्ड की साइटिंग हो गई है, तो वो बोल रहे अरे वाह बढ़िया है। तो ये बैरिकेडिंग हमने क्रॉस कर ली है और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट में जंगल में, सामने किमसार जा रहा है, सुनने में आया हाथी का ग्रुप किमसार की तरफ से मूव किया है लेफ्ट में नदी की तरफ पानी पीने के लिए। अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा अलर्ट होकर चलाना कि कभी भी रोकनी पड़े, कभी बैक करनी पड़े, बस शीशे भी उतार लो ताकि पता रहे, ताकि एलिफेंट का मूवमेंट, एलिफेंट की आवाज वगैरह आ जाए। वाओ क्या साइटिंग हुई है भाई वाइल्ड बोर की। देखो मैं आपको इससे दिखाता हूँ, डोर से शीशा नहीं चलता, ये देखो निकल गया। चलो यहाँ पे भी लकने साथ दिया। आप बोल रहे थे आप जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे एक थार, पूरी थार चकनाचूर कर रखी थी हाथियों ने, वो था तो दांत वाला हाथी होता है क्या बोलते हैं, अच्छा टस्कर हाथी ने पूरा थार तोड़ दिया था रात में। अच्छा, और फिर वो बंदा तो बड़ी मुश्किल से भागा रात भर, अच्छा चल के गया, अच्छा और चल के फिर आगे वहाँ मंदिर में जाके रुका रात, फिर अगले दिन सुबह थार वापस ले तो करवा के लेके गया। मतलब जिस दिन मैं आया था एक दिन पहले की बात थी, मैं अप्रैल के महीने में आया था, जिस दिन मैं पहुँचा जैसे मैं राजा जी और कॉर्बेट को जानता हूँ उससे कहीं बेहतर रोशन भाई रणथंभौर के एक्सपर्ट हैं। तो मेरी ताई जी रणथंभौर और सरिस्का, मेरी ताई जी की सिस्टर के बच्चे जा रहे थे, उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, ताई जी ने बोला सुभाष से एक्सपर्ट है। मैंने पूछा आपको कहाँ जाने का, रणथंभौर जाना है, मैंने कहा रोशन भाई का नंबर देता हूँ, तो मैंने इनका नंबर दिया और लिटरली इन्होंने तभी फोन किया रणथंभौर में, मालूम किया कि वो रिद्धि है ना, रिद्धि टाइगर्स अपने कब्स के साथ चल रही है, कब्स उसके क्या बड़े हो गए, एक साल से ऊपर हो गया, तो बड़े बड़े टाइगर जैसे दिखते हैं, और तीन टाइगर्स को उसने, इकलौती टाइगर्स ने तीन बच्चों को जिंदा रखा है, बहुत रेयर होता है एक या दो ही जिंदा रह पाते हैं, और तीनों के तीनों बड़े हो गए। अच्छा, तो अब ना एक साथ जब चलते हैं ना चार चार बाघ दिखते हैं एक ही जगह पे चलते हुए, अरे वाह। तो वो मैंने उनको फिर मैंने उसका मूवमेंट पता किया कि रिद्धि कहाँ से किधर चल रही है अभी, तो मेरे को उधर लोगों ने बताया कि सर अभी ऐसे ऐसे यहाँ से इस जगह से निकली है, इस नाले से निकली है, वैसे पहुंची है, तो कल सुबह साइटिंग का पूरा चांस है कि जोन नंबर तीन में हो जाएगा। अच्छा, जोन नंबर तीन बुक करो, अच्छा करो जोन नंबर तीन, अच्छा तीन सीट बुक करो, बुक कराया वो कैंटर बुक किया था उन्होंने, कैंटर में ही एक इमीडिएट तो जीप मिलता नहीं, कैंटर बुक कराया और देखो उनको फिर साइटिंग भी हो गई। अरे वाह, तो उन्होंने ना व्हाट्सएप पे इनको बहुत थैंक यू बोला और वीडियो भेज दी, और आपको मैं जो पिक्चर्स जो अभी मैं शेयर किए हैं आपको वीडियो पे दिख भी रहा होगा, हां आप शेयर करना। अरे वाह, ये आप देख रहे हैं, देखो आप देखो वहाँ की वो वाली जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजी है ना, वो मैं लगा रहा हूँ जो इन्होंने बुक कराया था, मतलब इतने तकड़े एक्सपर्ट है, पहली बता दिया, वो लोग दिल्ली से आए गए थे हमेशा। आपको सरिस्का के अंदर तो मैं ये बताऊंगा कि ST21 दिखेगा, ST7 दिखेगा, ST9 दिखेगी, ये मैं बताऊंगा। अरे वाह, और जो टाइगर आप बोलोगे कि मुझे ये टाइगर देखना, ये टाइगर से करीम चलने दे आगे गाड़ी, करीम जान दे आगे गाड़ी, रोक दे भाई ना, वो दिख लूंगा। अरे वाह भाई गजब गजब, मुझे पता होना चाहिए कब जाना। किसी को रणथंभौर का प्लान करना हो, सरिस का प्लान करना हो, तो भाई डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर लेना, रोशन भाई का कॉन्टैक्ट शेयर कर देंगे, और किसी को राजा जी और कॉर्बेट में हेल्प चाहिए तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकता है उसके लिए भी। कॉर्बेट के लिए तो मैं भी यार चौधरी साहब से ही पूछता हूं, आज भी राजा जी के भरोसे आज भी देखो मतलब कितना अच्छा चल रहा है। तो आते टाइम यहीं पे हाथी देखा था मैंने, राइट हैंड साइड में दिखाऊंगा वो जगह कौन सा देखा। अच्छा, आपको हाथी दिख चुका है यहां पे? हाथी का झुंड, अरे मैंने ब्लॉग बनाया है। अरे हां, हाथी का झुंड, हाथी नहीं मतलब कम से कम भी तो वहां पे 40 हाथी। अरे वाह, ऐसे हाथी हर साइज के हाथी, और कितना भी देर तक देख लो, चाहे पास जाकर देख लो, खड़े होके रिकॉर्ड किया काफी देर तक, उसके बाद फिर चिंगार रहे थे और वहीं पे एक शिकार हुआ उसी जगह। यहाँ पे एक काम करना, जब ये हाई बैंक पे पहुंच जाएंगे ना फिर इसे डाउन चले जाएंगे, तो यहाँ पे ना थोड़ा कार से ना लेफ्ट से ना, ये लेफ्ट से यहाँ से ना कार से ना थोड़ा लेफ्ट राइट को ना लाइट मारना रोक के, हाँ मतलब नीचे मत उतारना, ऊपर ही रखना कार को। बस बस रोक लो, अब यहाँ पे ना राइट और लेफ्ट गाड़ी घुमा सकते हो। तो भाई अभी हाई बैंक पर है, मैं देख लेता हूँ, इसे भी देख लेता हूँ कुछ दिखता है तो। कुछ नहीं है यहाँ से तो, अभी क्लियर ही दिख रहा है भाई, कितना विशाल जंगल है।
यहाँ पे आके ना अच्छा अच्छा आदमी डर जाता है। लाइट पड़ रहा है दूर तक तो मालूम चल रहा है कि आगे तो बहुत सारा पानी भरा हुआ आएगा। हाँ पानी आएगा। अच्छा एक चीज महसूस कर रहे हैं आप कि हमारे अलावा कोई नहीं है जंगल में। जंगल कौन रहेगा? मतलब बिल्कुल ये जंगल बिल्कुल शांत है। नहीं देखो मैं आया हूँ लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ छलचल मिल जाती है, पर एक जंगल में ना एक थोड़ी सी आवाज भी आती है कहीं ना कहीं से, पर बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ गाड़ी बंद कर सकते हैं, थोड़ा सा गाड़ी बंद करके सुन सकते हैं आसपास लोग तो बिल्कुल गाड़ी। मैं देखो आपको सुनाता हूँ आसपास का माहौल। गाड़ी की लाइट बंद करके पहाड़ भी दिख रहे हैं देखो सामने कितने प्यारे। सामने के पहाड़ भी दिख रहे हैं। मेरे साथ अभी वो एक चिड़िया की आवाज सुनाता हूँ, रात को बोलती है सुनो। लाइट जार भी बोल रही है और ये भी बोल रही है। इसको ऑफ कर चीव, चीव, किसको लाइट को? हाँ भाई खरगोश दिखा है, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। अब ये कार के आगे आगे भागेगा। चलो निकल गया उधर, निकल गया। अगर कार बिल्कुल इसके पीछे होती तो आगे आगे जाने निकल गया भाई। S24 Ultra में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है गजब। कम से कम 5-6 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ती है, कुछ ज़्यादा डीप है कुछ हल्की डीप है। तो ये पहली वाटर क्रॉसिंग थी और विशाल मैदान है भाई, चारों तरफ दूर से दूर तक नदी दिख रही है और दोनों तरफ जंगल। हमारे अलावा कोई नहीं है पूरे जंगल में। सो रोशन भाई देखने गए हैं नदी को कि कहाँ से कार निकल सकती है, कुछ डीप डीप है रियली। इसमें तो मेरे को भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि यहाँ से कैसे क्रॉस होगा। हाँ इधर भी है, इधर से भी निकलती है। हाँ नहीं तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, इधर आओ इधर आओ, एक लेफ्ट से भी जाना है उस तरफ से भी। एक्चुअली रास्ता है इसका उस तरफ से, देखो वहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से रास्ता है। मैं उधर से जाता हूँ। हाँ वो जरा सा है, आ जाओ इससे इससे छोड़ो। नहीं इसी चलते हो, गाड़ी आई तो बोले इधर से। तो फिर इधर इधर से निकाल लो, इधर से पत्थर ना हो कोई, ठीक है निकाल लो। चलो भाई प्रभु का नाम लेते हो निकलते। हाँ निकाल लो, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल संकट मोचन ले लो, ले लो पहला गियर। वाओ 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 फाइनली। ये देखो ये दोबारा से जंगल स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें अंदर चले जाएंगे। ये वही तो है जहाँ से टाइगर क्रॉस होता है, यहाँ पे ही तो वो विवेक अवस्थी जी बता रहे थे कि एलिफेंट कॉरिडोर भी है, एलिफेंट क्रॉस करते हैं ये यहाँ ना होगा नहीं क्योंकि भी क्योंकि ड्रॉपिंग्स वगैरह दिख नहीं रही है। यहाँ पे मुझे सांप दिखाई दिया था एक बार अंदर जंगल में ना। हाँ देखो अभी खुले रास्ते से निकल गए हम लोग, अब वापस जंगल के अंदर घुस गए। ये है जंगल, प्रॉपर जंगल है। इस तरह के जंगल क्रॉस करना इस टाइम पे हर किसी के बस की नहीं है। ये थी जंगल जहाँ खत्म हो गया था, फिर से पानी है, पानी इकट्ठा है बिल्कुल। ऊपर सामने विंध्यवासिनी मंदिर की लाइट है और फाइनली ये वाला जंगल भी खत्म हुआ। पीछे वहाँ पे पानी का स्रोत था तभी लगता है हट गया। हाँ हाँ यहाँ पे आता है, ये चेंज हो गया इस तरफ क्योंकि हर साल नदी अपना रुख बदलती है ना,
सबसे ज्यादा खतरनाक जिसमें पानी है वो अब आएगा, वो अब आएगा जिसमें सबसे ज्यादा पानी है। दो बार क्रॉस करना पड़ेगा, एक यहाँ पर एक आगे, काफी लंबा चलता है मतलब कि भाई बाहर से लिटरली ऐसे आवाज आ रही है ना फ्रॉग्स की। देखो क्या हवा चल रही है भाई, डेंजरस था ये, देखा ना कार भी बिल्कुल हिल गई, इसमें नहीं रोक सकते बिल्कुल भी। ये भी थोड़ा सा खतरनाक है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल डीप जा रहा है, गहरा जा रहा है एकदम से, है ना, ऐसे जा रहा है नीचे ऐसे करके। थोड़ा सा आगे आगे करके देख लो आराम से, कोई बात नहीं, उतरने की जरूरत नहीं है। भाई बहुत डेंजरस था, महसूस हो जाता है भाई, इतना डेंजरस अब नहीं है। हां ये आगे विंध्यवासिनी मंदिर, हां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच गए हैं भाई, तो एग्जैक्ट 8:30 बज रहे हैं। ये एक और बन गया यार, हां एक और, ये तो छोटे-छोटे आते रहेंगे अभी, ये कब बना। चलो चलो चलो, नहीं आएंगे छोटे-छोटे तो बहुत आएंगे। नाइट जार यहाँ भी बोल रही है, जहाँ तो मुझे लगता है कि मंदिर वाला रास्ता है ना ये हाफ पड़ता है। नहीं नहीं हाफ नहीं पड़ता। अच्छा, अरे अब तो बहुत टाइम हो गया मैं चले हुए, इतना नहीं पड़ेगा, ये तो अब आ गया बस, ये वाइल्ड ब्रुक आ गया और उससे आगे जंगली आ गया। चलते रहो, अब इतने खतरनाक स्रोत नहीं है, अब तो बहुत छुटुक छुटुक से है, चलते रहो। जंगली रिजोर्ट का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया इन्होंने, तो इस तरफ अभी तक तो ये बोर्ड थे नहीं, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ। राइट में चलते हैं जंगली रिजोर्ट, 8:40 पे हम जंगली रिजोर्ट पहुँच चुके हैं। सामने लाइटिंग दिख रही है लेफ्ट साइड में, वियावान जंगल में जंगली रिजोर्ट। अभी कुछ दिन पहले हाइना की साइटिंग हुई है, वो मैं इनसे पूछूंगा विवेक अवस्थी से, वो एक्चुअली किस जगह था, कोई क्लाइंट थे इनके तोमर जी, तो उन्होंने फोटो खींचा था, इन्होंने कम्युनिटी टैब में डाला था। तो दोस्तों कार तो यहाँ पर पार्क कर दी है, और ये विवेक अवस्थी जी की कार खड़ी है, और आप देख सकते सुन सकते हैं नाइट जार की आवाज़ आ रही है, कितने सारे झिंगुर बोल रहे हैं, ये माहौल है यहाँ पे। अब तो इन्होंने काफ़ी लाइटिंग कर दी है विवेक जी ने, विवेक जी की आवाज़ आ रही है उस तरफ बैठे हुए हैं यूट्यूबर अपने गेस्ट के साथ, शायद बोन फायर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं राजा नेशनल पार्क में और जंगली रिजोर्ट में, विवेक जी तो अभी ऊपर हैं और अजय जी मिले हैं, ये भी कानपुर से आए हुए हैं, बोन फायर हो रही है। और भाई इसका ये वही है ना लक्की, शायद लक्की है जिस पे लेपर्ड ने अटैक किया था। अच्छा लक्की अभी काफी ठीक हो चुका है, इस पे लेपर्ड ने अटैक किया था, बच गया भाई ये, और अब देखो कितना बड़ा हो गया, वीडियो में तो खैर इतना बड़ा लगता नहीं है ये, और नाइट जार लगातार बोल रही है भाई उस तरफ से। तो आप किस कॉटेज में रुके हो, कौन सा कॉटेज अच्छा लगा आपको? आज मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा आज फर्स्ट डे है आपका? हाँ जी फर्स्ट डे। तो बढ़िया, मुझे लगा आपका सेकंड डे है या थर्ड डे है। ये देखो भाई इन्होंने कुछ लाइटिंग लगा कर दी है यहाँ पे और भी, और काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले से, देखो इस तरह से बाड़ा बना दिया है, बोन फायर का स्पेस है, ऊपर किचन है, इसके ऊपर मेन टेरेस हाउस है, उस तरफ मंदिर है, इन्होंने जिप्सी यहाँ ऊपर ही लाके खड़ी करी गई है। ये लक्की देखो कितना प्यार कर रहा है, इसको रोशन भाई पसंद आ गया लक्की को। सो दोस्तों विवेक जी भी आ गए हैं, अभी ये ऊपर थे, तो अच्छा लगा विवेक जी से मिलने के बाद। जब दो लाख हुए थे आपके, तब केक कटिंग हुई थी, तब आपके फ्रेंड अश्वनी जी आए हुए थे। चलो वो तो बाई चांस ये हैं यहाँ पे, मिल गए, हमें तो खैर आना ही था यहाँ पे, तो अच्छा लगा इन्होंने बोला मैं यहीं पर ही आ जाऊँ, तो बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों अभी हम कोटेज देखेंगे हमें कहाँ पर रुकना है। और अच्छा एक चीज़ हो रहा है, आपने बहुत अच्छा कर दिया पहले से, यहाँ पे बाड़ा नहीं था ये बाड़ा बना दिया, लाइटिंग इतनी अच्छी कर दी है, बहुत अलग लग रहा है। एक चीज मैं सोच रहा हूँ ना, एक वॉशरूम ऐसा बनाऊं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ जहाँ जिप्सी खड़ी है ना, हाँ यहाँ बनाऊं।
हाँ। एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लो अलग अलग दूर दूर कॉटेज बनी है, हाँ। तो जब किसी को वॉशरूम जाना होता है, जैसे बॉनफायर बैठे हैं पानी, अच्छा कॉमन बाथरूम, कॉमन वॉशरूम, हाँ, वो सोच रहा हूँ क्योंकि अभी तो सब अंदर ही होंगे, हाँ, सब अंदर रूम में है ना, तो वो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कर दूं एक प्रैक्टिकल। ये तुमने देखा वॉश मशीन? अरे वाह, ये तो नहीं देखा, कढ़ाई का ये तो बिल्कुल अलग बना हुआ है। अच्छा कढ़ाई का, चलो ये देख के आते हैं। और आपने ना ये मार्किंग भी कर दी है कितनी अच्छी, और रोड भी बना दी है, ये पहली बार देखा मैंने, बोर्ड पहले नहीं था भाई। वॉश बेसिन दिखाता हूँ, देखो इन्होंने बिल्कुल नेचुरल बनाया हुआ है। ये दो बांस हैं और ऊपर ये कुर्सी टूटी हुई है, और ये कढ़ाई, कढ़ाई का तो मैं पहली बार देख रहा हूँ किस तरह से इन्होंने इसमें छेद किया। देखो वॉश बेसिन बिल्कुल डिफरेंट है भाई। लक्की को देखो किस तरह से लेट गया भाई, कितना कम्फर्ट फील हो रहा है इसको। अच्छा एक चीज़ और बताना, हाय ना कहाँ दिखा, किस जगह? इस जगह दिखा था, बिल्कुल सामने गेट से लिया, हाँ सामने, हाँ वही मैं तोमर ने लिया था ना, किसी तोमर ने, तो वहाँ पे था भाई, वही मैं जिक्र कर रहा था। और लेपर्ड किस जगह था वो जो गाय को खा रहा था? वो तो उधर था, जहाँ से मुड़ते हो ना वहाँ। अच्छा उस जगह था, चलो भाई। वो लोग तो सारे उधर बैठे हुए हैं, और ये इनका डाइनिंग हॉल। अगर मैं किसी रिजोर्ट में जाता हूँ तो भाई इस तरह से पूरा टूर देता हूँ। और अब तो इन्होंने भाई पेंटिंग भी लगा दी है टाइगर की, और अभी ज़्यादा गेस्ट नहीं है, सिर्फ दो चार ही गेस्ट है, तो इसमें बुफे नहीं लगा हुआ। बाकी यहाँ पे सीसीटीवी लगा दिया इन्होंने, और बुक्स भी रख दी हैं भाई कुछ। ये देखो जो विवेक अवस्थी जी पढ़ते हैं सारी बुकें, केनेथ एंडरसन द मैनीटर, और टेम्पल टाइगर। ये देखो भाई टाइगर्स की बुकें हैं सारी, इतनी सारी बुकें हैं। ये देखो जॉय ऑफ नेचर, आप आइए यहाँ पे, आपको ये किताबें मिलेंगी, पढ़िए। अवर मैग्निफिसेंट वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, द वाइल्ड लाइफ हियर, बहुत किताबें हैं। चलो भाई किचन में चलते हैं। अरे लक्की मेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तो किचन में आ रहा था। तुम थे ना पिछली बार? हाँ जी सर, नहीं था। नमस्कार, बस बढ़िया बढ़िया, मुझे लगा कहीं छुट्टी वट्टी पे जा रहा होगा। और ठीक हो? मैंने कहा ये पहले वाली कोटेज खाली है। कौन सी वाली? सो भाई कोटेज देख लेता हूँ किस में रुकना है। ऊपर वाला तो वुड हाउस है, ये ब्रिक हाउस है। सो देख लेते हैं ब्रिक हाउस में कैसा है। लाइट जला दो। अच्छा ये ब्रिक हाउस है। पंखा तो चल रहा है ना? नहीं हल्का हल्का चल रहा है। सो दोस्तों अपना डिनर लग चुका है, पनीर बना है, दाल बनी है, और एक मिक्स वेज टाइप बनी है, और रोटी। चलो अपना डिनर एंजॉय करते हैं। सो दोस्तों 11:30 बज गए हैं, अभी हम बोन फायर पे बैठे थे, तो सब अवस्थी जी भी अपना रूम में चले गए हैं, और हम भी सब सोते हैं, कार तक जाते। ये अपना कुटेज है, अभी दो जगह नाइट जार बोल रही है, रिजोर्ट के लेफ्ट साइड में और रिजोर्ट के राइट साइड में।